हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑडिशन किस तरह से दिया जाता है, और ऑडिशन दोस्तों वहाँ पे जो जज रहते हैं किस तरह से लेते हैं। तो ये सब कुछ जितना भी प्रॉब्लम है सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहें ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस तरह का ऑडिशन होता है और किस तरह का हम लोग को गाना गाना चाहिए और किस तरह का प्रिपरेशन हम लोग को करना चाहिए ताकि हम लोग ऑडिशन में सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप लोग ऑडिशन देते हैं, आप लोग को एक बात पता नहीं रहता है कि ऑडिशन खाली गला में लिया जाएगा या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो अगर इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप लोग उस तरह का प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, तो आप लोग उस तरह का आपका उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे आप खाली गला में प्रैक्टिस करके गए हैं गाना, आप कराओके में प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं और वहाँ पे आपको ले लिया कुछ भी पियानो या फिर कुछ भी कैसियोलो का रहता है इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी एक रहेगा उसमें आपको गाना गाना है, तो आप कैसे गाएंगे। तो ये दिक्कत हो जाता है दोस्तों हम लोग का ऑडिशन देने में। तो मैं आज ये बात क्लियर करूँगा। देखिए हम लोग को क्या करना है, जैसे वहाँ पे आप लोग ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक तो रहेगा ही, इंस्ट्रूमेंट कैसियो या फिर कुछ रहेगा, गिटार वगैरह कुछ रहेगा। तो आप लोग उसके साथ कैसे ऑडिशन देंगे अगर आप उस तरह का प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं। दोस्तों मैं पहली बात बता दूँ कि आपको अगर ऑडिशन में सिलेक्शन होना है, 100% सिलेक्शन होना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको कराओके जो होता है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई गाना का इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपको कोई भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाए तो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप गा सके। और एक बात, गाना आपको इस तरह का चूज़ करना है ताकि वो लोग को ये फील हो सके कि ये बंदा अच्छा गा रहा है। तो आप लोग को गाना इस तरह से चूज़ करना है कि उस गाने में क्लासिकल फील हो और उस गाने में मुर्खियाँ हो दोस्तों। उस गाने में आपका बहुत ही अच्छा फील रहना चाहिए, इस तरह का गाना चूज़ करना है आपको। जैसे कोई गाना है रिम झिम गिरे सावन, पुराना गाना, तो आपको दोस्तों गाना कैसे चूज़ करना है। गाना आपको पुराना में भी कर सकते हैं, न्यू में भी कर सकते हैं। अगर गाना गाना आपको चूज़ करना है, जैसे आपको देखना है पहले दोस्तों कि जज 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 कैसा है, जज जज पे डिपेंड करता है आप कैसा ऑडिशन देंगे। तो जज अगर आप देख रहे हैं कि ओल्ड है, अगर वो थोड़ा एजेड है, तो आप क्या करेंगे कि आपको पुराना गाना सब आपको गाना है। आप इस तरह का गाना प्रैक्टिस करके जाइए कि एक तरफ न्यू और एक तरफ पुराना गाना, सब ओल्ड गाने सब आप प्रैक्टिस करके जाएँ, तभी आपका कॉन्फिडेंस एक अलग रहेगा। और जजेस को देखिएगा कि अगर जजेस एजेड है तो एजेड जजेस जो है वो आपका ओल्ड सॉन्ग ही पसंद करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो लोग के ज़माने में जो चला है वही पसंद करेगा। तो अगर हो गया तो, और अगर जजेस अगर बैचलर है तो आपको उस तरह का गाना, न्यू तरह का गाना आपको प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों। जैसे ओल्ड सॉन्ग में हो गया रिम झिम गिरे सावन, और हो गया बहुत कुछ ऐसे गाना है दोस्तों, आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर न्यू में आएंगे तो क्लासिकल फील टाइप गाना हो सकता है, तू आती है सीने में, और बहुत कुछ इस तरह से गाना है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो मेन बात है कि दोस्तों आपको कराओके के साथ ही प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और आपका ऑडिशन में सिलेक्शन हो सके। नहीं तो दोस्तों आप खाली गला में गा के जाएंगे और देखिएगा आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ दे दिया तो आपका गड़बड़ी हो जाएगा वहाँ पे, तो आप उस तरह से गाना नहीं गा सकते। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोग को बोलूँगा कि कराओके के साथ प्रैक्टिस करके जाइए और अच्छे से अपना ऑडिशन दीजिए ताकि आप सिलेक्शन हो सके और एक अच्छा बेहतर सिंगर बन सके। और राइजिंग स्टार में दोस्तों जैसे आप लोग का टीवी टेलीकास्ट जैसे होता है, लाइव सिंगिंग होता है वहाँ पे दोस्तों, डायरेक्ट नहीं हो जाता है वहाँ पे, पहले ग्राउंड ऑडिशन लिया जाता है उसके बाद डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाता है जो बंदा सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन राइजिंग स्टार कैसे होता है, किस तरह से होता है, कराओके के साथ होता है या फिर खाली गला में होता है, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ये मेरे वीडियो के एंड में। तो ये वीडियो देखिएगा किस तरह से ले रहा है राइजिंग स्टार का ऑडिशन।
तो ये वीडियो देखिए, मैं ओपन कर रहा हूँ ये वीडियो को, इस तरह वीडियो को देखिए, आप पता कीजिए कि किस तरह से ऑडिशन होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आई एम ऑलवेज गुड। ओके, सो द थिंग इज दिस, यू हैव 2 मिनट्स टू परफॉर्म योर परफॉर्मेंस। ओके, सो 2 मिनट है आपके पास, और 2 मिनट में आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, वो 2 मिनट आपके हैं। दैट्स इट। ओके, चेक चेक वन, check 1 2 3, all right, hello, check 1 2 3, hello, check 1, support you.